कि वो सावरकर के ही लोग हैं, एबीवीपी के ही लोग हैं, आरएसएस के ही लोग हैं, यही लोग पूरे मुल्क के जो है हमने शांति को खत्म कर दिया है। उसी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा संस्थान पर जो दिन ब दिन अटैक हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं दिन ब दिन शिक्षा संस्थान पर अटैक कर रहे हैं, चूँकि उनसे पूछिए, गवर्नमेंट से आप पूछिए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, स्टूडेंट से प्रॉब्लम है या शिक्षा संस्थान से प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है उसको जो मेन है वो शिक्षा से प्रॉब्लम है, वो शिक्षा मुक्त करना चाहते हैं। चूँकि अगर गवर्नमेंट, मुझे बड़ी ताज्जुब होती है और बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मोदी और हमारे वजीर आजम अगर पढ़े लिखे होते तो उनको तालीम की अहमियत समझ आती, लेकिन उनको तालीम की अहमियत समझ नहीं आ रही है, एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ वाजे है कि आप जो है शिक्षा मुक्त करना चाहते हैं, ताकि जो इस मुल्क के अंदर अंधभक्ति कायम हो, आपसे जो जो पढ़े लिखे और पढ़ा तबका जो आपसे सवाल करता है वो आपसे सवाल ना कर सके, जो संविधान के लिए लोग रोडों पर आए हुए हैं और ये जो स्टूडेंट है खुसूसन जो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि शिक्षा संस्थान बंद करके और जिस तरह से आप जामिया के अंदर जो लाइब्रेरी में घुसकर आप पुलिस के जरिए से गुंडई करवा रहे हैं, और इसी तरीके से जो आप जामिया के अंदर आज लौलुहान करवाया हमारे स्टूडेंट को, जो आपने बुरी तरीके से लाठी डंडे बरसाए और उन पर पत्थरबाजी करवाई, तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि ये जो सावरकर के ही लोग रहेंगे, सावरकर की नस्ल ही जो नकाब पोश में आए हैं, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो सावरकर के ही लोग हैं, एबीवीपी के ही लोग हैं, आरएसएस के ही लोग हैं, यही लोग पूरे मुल्क के जो है हमने शांति को ख़त्म कर दिया है, यही लोग जो मुल्क के अंदर से जो है हमने शांति को भंग करके रख दिया है। कौन से लोग हैं गवर्नमेंट की, किस लोगों की बात कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो लगातार शिक्षण संस्थानों पर हमला कर रहे हैं? देखिए आप तो अच्छे से जानते हैं इनके कितने विंग हैं, हर छोटे छोटे विंग इनके हर जगह पर मौजूद है, हर संस्थान में इन्होंने अपने रखे हुए हैं। और आज हमारी मांग ये होगी कि जेएनयू के अंदर जो गुंडई चल रही है, जेएनयू के अंदर जो गुंडे बैठाए गए हैं, उनको पहले बाहर किया जाए और फिर उनको अरेस्ट किया जाए, और ये अरेस्ट इमिडिएटली अभी फौरन होनी चाहिए। अच्छा, देखिए जो अध्यक्ष जो हमारे हैं, प्रेसिडेंट जो है जेएनयू के, उनको बुरी तरीके से चोट लगी है वो, और कई स्टूडेंट जो अभी एम्स में हैं, और जो टीचर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया है, लेडीज टीचर सब है और उनको भी इनके गुंडे जो है नहीं छोड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो एनआरसी सीएसी का विरोध कर रहा है उसी का? बिल्कुल, देखिए ये चीज़ असल वहीं जाकर लिंक हो रही है, चूँकि यही लोग हैं हम, यही स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट यूनियन है जो आजकल संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, यही लोग जो बाहर निकल कर आ रहे हैं और इस मुल्क के जो है वजीर आजम को और इस बीजेपी गवर्नमेंट को आईना दिखा रहे हैं, इसीलिए ये लोग, ये असल स्टूडेंट्स, इनको प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अपनी नाकामी को छुपाने की क्या ज़रूरत है। ये एक बात मैं उनसे कहूँगा कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कितने जामिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं क्या, स्टूडेंट यहाँ? ये यहाँ पे जामिया के, एमयू के, और जो जेएनयू के तो है ही, उसके अलावा जो और भी जो दूसरे कॉलेज से हैं और यहाँ तक के और दूसरे स्टेट के लोग हैं, वो सब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। समाज पर, मुस्लिम समाज पर ये हमला है? देखिए समाज पर, मुस्लिम समाज दोनों पर हमला है? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि ये मुस्लिम समाज या दलित समाज तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जो आवाज़ उठा रहे हैं और जो मुल्क के अमन शांति की बात कर रहे हैं, जो अमन सलामती की बात कर रहे हैं, वो इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है जो आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं वो इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कितने करने के बावजूद भी सरकार के कानों में कुछ आवाज़ जाएगी या नहीं? देखिए गूंगी बहरी सरकार है, इतनी आसानी से ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि अमित शाह ने कहा कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो ऐसा है कि हम लोगों को पूरे तौर पर बाहर आना होगा, और ये एक इंच नहीं बल्कि उनको कई किलोमीटर पीछे करना होगा। तो इस पर मोदी जी को कुछ प्रतिक्रिया लेनी चाहिए? नहीं, जो घटना घटी है इस पर, बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि अभी फ़ौरन इमिडिएटली इस पर एक्शन ली जाए, और फ़ौरन जो एबीवीपी के लोग थे वहाँ पे उनके खिलाफ़ एफआईआर इमिडिएटली दर्ज की जाए और उनको जेल भेजा जाए। कहा जा रहा है कि मोदी जो मोदी मीडिया है, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया है,
उस पर भी हमला किया गया है। मोदी मीडिया दरअसल तो अभी आप देख रहे हैं कि जो गोदी मीडिया मोदी मीडिया जिसको कहते हैं उनको तो कोई लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है इनको उजागर कर चुका है, बायकॉट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जैसे NDTV और आप जैसे जो न्यूज़ पोर्टल है, जो वेबसाइट चला रहे हैं, जो न्यूज़ है, जो यूट्यूबर हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़बीउल्लाह RBR है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है, शुक्रिया।